वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी, स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे मैथ के क्वेश्चन जो कि प्रैक्टिस टेस्ट है आपका नंबर 3 वाला। और ये वीडियो जो है एमपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, जिस भी एग्जाम को आप दे रहे हैं जिसमें मैथ आता है, और मैथ का टाइम एंड वर्क का अगर आप क्लास करना चाह रहे हैं, ओके, और आपने अगर टाइम एंड वर्क का प्रश्न करना चाह रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। और अगर आप सीखना चाह रहे हैं तो इससे पहले मैंने 2 वीडियो डाली हैं टाइम एंड वर्क की, जाकर एक बार चेकआउट जरूर करेंगे, देखेंगे उनको। हमने उसमें बेसिक बताया और ये वीडियो जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की है। और यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ आपके कि जो टफ से टफ क्वेश्चन होगा, मतलब जो कठिन से भी ज़्यादा, मतलब बहुत ऊपर लेवल का क्वेश्चन है, वो भी हम करेंगे। सीजीएल लेवल का क्वेश्चन भी हम यहाँ पर करेंगे। लेकिन आप लोगों से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि भाई इस वीडियो को, इन प्रश्नों को आपको दोबारा भी करना है, मतलब अभी मैं कराऊंगा, अगर आपसे बन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो क्वेश्चन को आराम से देखेंगे और आप एक बार और करेंगे इन क्वेश्चन को। इनकी पीडीएफ आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, बहुत सारी पीडीएफ्स जो हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में ये कहूँगा कि एवरेज रहेंगे, कुछ क्वेश्चन जो हैं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन टफ है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी होंगे जो आपको स्टार्टिंग में तो लगता है कि यार हो जाएंगे, लेकिन लास्ट में देखा जाए तो वो क्वेश्चन नहीं बन रहा होता। ओके, आपने देखा होगा अगर अभी जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा, एमपी के एग्ज़ाम हुए हैं, पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है, जेल प्रहरी का एग्ज़ाम हुआ है, एक्साइज का एग्ज़ाम हुआ है, उनमें जो क्वेश्चन आए उनको भी हमने लिया हुआ है, और उनसे एसएससी सीजीएल में है या आरआरबी में है जो टफ क्वेश्चन बने हैं वो भी हमने टाइम वर्क के यहाँ पर लिए हुए हैं। ओके, तो ट्रिक के साथ में देखेंगे कैसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ए बी से 2 गुना काम करने वाला है और साथ में बी एक, ओके बी, ओके यहाँ पर जो है इसको बी कर लीजिएगा, ओके इसको चेंज कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसको। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ए बी से 2 गुना काम करने वाला है, साथ में वे एक काम को 14 दिन में कर सकते हैं या कर लेते हैं। कार्य समाप्त होने के लिए ए द्वारा अकेले लिए गए समय की संख्या कितनी है या कितने दिनों में वह करेगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन कई लोग क्या है इसको गलत तरीके से करते हैं। अभी यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, देखिए क्वेश्चन घुमाया गया है, इसको ऐसा नहीं बोला गया कि इसकी क्षमता इतनी इतनी है, क्योंकि अगर क्षमता बोल दिया जाता तो बहुत सारे लोग ये बोलते कि इसमें एफिशिएंसी दी हुई है। इसमें बोला है 2 गुना काम करने वाला है, ये एग्जैक्टली जो आपकी लैंग्वेज है जो एग्ज़ाम में आई हुई है वही लैंग्वेज यहाँ पर यूज़ करी गई है। ओके, तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है अगर देखा जाए तो, ए है और बी है। ओके, ए की एफिशिएंसी बी से 2 गुनी है, तो ए की एफिशिएंसी मैंने 1 मान ली, बी की एफिशिएंसी मैंने 2 मानी है, ठीक है। अब उनने बोला है कि दोनों के दोनों अगर साथ में मिलकर काम करें तो 14 दिन में काम होता है, यानी 14 डेज में काम होता है। 14 दिन में काम कर रहे हैं और एक साथ काम कर रहे हैं, यानी कि 3 की एफिशिएंसी काम कर रहा है, ए 2 की एफिशिएंसी काम कर रहा है, बी 1 की एफिशिएंसी काम कर रहा है, यानी कि टोटल मिलाकर 3 की एफिशिएंसी काम कर रहे हैं, और टोटल जो वर्क आएगा वह आ जाएगा 42। क्या आ गया, 42 इनका टोटल वर्क आ गया। क्वेश्चन पूछा ए के द्वारा कितने समय में इसको काम को कर लिया जाएगा, तो 42 काम को वो करने में कितना समय लगाएगा, उसकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 की एफिशिएंसी है, पर डे वो 2 काम करता है, तो 42 काम को कितने दिन में करेगा, बहुत इजी है, 21 दिन में करेगा, कितने 21 डेज में करेगा। अब ये क्वेश्चन कई लोग बोलेंगे कि भाई सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, मैं ये बोलूँगा कि मैंने कहाँ बोला कि ये टफ क्वेश्चन है, मैं अभी आराम आराम से धीरे 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 आपके क्वेश्चन जो है लेवल बढ़ेगा और आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे हैं। देखिए ए बी से 3 गुना काम करने की क्षमता रखता है, यहाँ पर क्षमता का बात करा है, दोनों 9 दिनों में काम कर सकते हैं, इसी पूरे काम को ए अकेले कितने दिन में करेगा, बहुत इजी, इसको भी हम कर सकते हैं, ए की एफिशिएंसी और बी की एफिशिएंसी दी है, तो बी से 3 गुना काम कर लेता है ए, यानी ए की एफिशिएंसी है 3, बी की एफिशिएंसी है 1, ओके, और टोटल काम करता है 14 काम का, ओके 9 दिन में ये काम करते हैं, दोनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं तो 3 की एफिशिएंसी 3 और 1 4, 4 की एफिशिएंसी हो गई, दोनों की मिलाकर कितनी 4 एफिशिएंसी हो गई,
ओके तो ये 36 काम हो गया, कितना 36 काम हो गया, ऐसे ही रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। ये टोटल वर्क हमारा आ गया, क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, ए कितने दिन, एक एक ही फीस कितनी है, 3 है, तो यहाँ पर रख दीजिए, तो ये करेंगे तो 3 × 9 और ये 12 दिन में इस काम को कर लेगा, कितने 12 डेज में इस काम को कर लेगा। सिंपल है, जिसको बेसिक नहीं पता है प्लीज़ इससे पहले वाली वीडियो जाकर देखिएगा, बेसिक बिल्कुल पता चल जाएगा आप लोगों को कैसे क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन है नेक्स्ट, ज्योति किसी काम को 12 दिन में पूरा कर कर सकता या कर सकती है। माला ज्योति से दुगनी कुशल है, माला कितने दिनों में काम को पूरा करेगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ज्योति है और एक माला है, ठीक है। पहले हमें ये पता है कि 12 दिन में कोई कार्य करते हैं, वो छोड़ दीजिए अभी। अभी बोला है माला क्या है, ये जो माला है ज्योति से दुगनी कुशल है, तो ज्योति जो है एक होगी और माला आपके, सॉरी ज्योति जो है क्या बोला जी, मैं देखें, माला ज्योति से दुगनी कुशल है, तो ज्योति यहाँ पर एक होगा और माला यहाँ पर 2 होगी। यही है, सिंपल है, कोई दिक्कत आ रही है नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद बोला है कि वो दोनों के दोनों मिलकर 12 दिन में काम करते, 3 की फिंस से टोटल वो काम कर लेते हैं 12 × 36, ओके, यानी 36 काम को वो दोनों मिलकर करते हैं। क्वेश्चन बोला है माला कितने दिन में इस काम को करेगी, तो माला कितने दिन में काम करेगी, 2 की फिंस से काम कर रही है। अच्छा, माला जो है कितने दिन में काम कर रही है, 2 मतलब 2 की फिंस से काम कर रही है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं, अच्छा एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न एक क्रिएट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन, माला ज्योति से, यहाँ पर जो है माला है ओके और ज्योति है, ठीक है। माला जो है ज्योति से कुशल है, तो यहाँ पर ये हमारा गड़बड़ जो यहीं पर हो गया था, ये वाली गड़बड़ हो गई थी, ओके। तो ये कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, ध्यान रखिए। अब क्वेश्चन क्या बोला है, ज्योति किसी काम को 12 दिन में करती है, ये ज्योति जो है 12 दिन में किसी काम को करती है, यानी कि जो काम है वो कितना है, 12 यूनिट है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं एक का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा, तो टोटल वर्क कितना है, 12 है। अब क्या बोला है कि माला इस 12 काम को, किसको, इस 12 काम को कितने दिन में करेगी, तो माला की फिंस कितनी है, 2 है, 2 की फिंस से माला इस काम को मात्र 6 दिन में कर लेगी, कितने दिन में, 6 दिन में कर लेगी। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है, यहाँ पर ज्योति किसी काम को 12 दिन में करती है, और यहाँ पर एक और चीज़ बोली, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को मैं कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ, यहाँ पर मुझसे पहले ही बोल दिया गया कि ज्योति 12 दिन में काम कर लेती है और ज्योति की जो एफिशिएंसी है माला से आधी है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं माला की एफिशिएंसी जो है दुगनी है ज्योति से, ओके। तो बिल्कुल सिंपल, जब दुगनी है तो ज्योति 12 दिन में कर रही है, तो इससे आधे में क्या करेगी, माला करेगी, तो यानी 6 दिन में करेगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसको लॉजिक से भी किया जा सकता है, ओके। अगला क्वेश्चन, चलिए, ए बी से दुगना कार्य कुशल है, बी किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों एक साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इसको वही क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, ओके, बस थोड़ी सी वैल्यू को चेंज करा गया है। बोला गया ए बी से दोगुना तेज है या कार्यकुशल है या एफिशिएंसी ज़्यादा है इसकी, बस इतनी बोला गया है, ठीक है, ये समझ में आया। अब बोला गया बी 12 दिन में किसी कार्य करता है, तो बी अगर एक किस्म से कार्य करता है 12 दिन तक और हमें टोटल वर्क निकालना है, तो एक का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल वर्क, क्या आ गया, टोटल वर्क, यानी 12 काम जो है टोटल वर्क, टोटल काम है। क्वेश्चन बोला गया दोनों अगर मिलकर इस कार्य करें, मतलब अब दोनों मिल जाते हैं, यानी कि ये ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे और 12 काम करना है हमें टोटल, तो 3 की फिंस से काम करेंगे, जो 4 दिन में इस काम को कंप्लीट कर देंगे, कितने, 4 दिन में कंप्लीट कर देंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, 4 डेज आ गया, ओके। अगला क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन नहीं है, कोई बात नहीं है, इस क्वेश्चन को समझने के लिए, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन स्टूडेंट जो है इस क्वेश्चन को मतलब चुटकी में कर सकते हैं, लेकिन इसको समझाना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन देखिएगा, मैं इसको समझाने के लिए समय लूँगा आप लोगों से। पी और क्यू क्षमता, क्यू की क्षमता का अनुपात 3:4 है, तो इनके द्वारा लिया गया समय का अनुपात कितना। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोलेंगे कुछ नहीं करना, इसको उल्टा कर देना है। अब देखिए वो ठीक है, पी और क्यू आप लोग सोचते हैं कि 3 और 4 जो है एफिशिएंसी दी हुई है, ये एफिशिएंसी है, ठीक है।
अब कई लोग क्या करेंगे, टाइम निकालना है तो 4 और 3 यहाँ पर कर देंगे, ये बिल्कुल सही है। मैंने कब बोला कि ये गलत है? गलत नहीं है, लेकिन ये आया कैसे, कैसे आया, ये समझने वाली बहुत बड़ी बात है कि ये आया कैसे है। अब हमें एक चीज़ पता है कि ये जो है एफिशिएंसी क्या होती, एफिशिएंसी टाइम की क्या होती है, उल्टी होती है। मतलब कह सकते हैं एफिशिएंसी अगर यहाँ पर इस प्रकार लिखी है तो टाइम इस प्रकार होगा, यानी जितनी जल्दी मैं काम करूँगा उतना समय कम लगेगा, या फिर मैं ऐसा बोल सकता हूँ जितना समय ज़्यादा मैं लूँगा उतना किसी व्यक्ति की स्पीड कम होगी। मतलब मैं स्लो स्लो अगर काम कर रहा हूँ तो मेरा काम जो है बहुत टाइम में होगा, कितने टाइम में होगा, बहुत टाइम में होगा। अगर मैं स्पीड में काम करूँगा तो मेरा काम कैसे होगा, जल्दी हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आई है? तो एफिशिएंसी बराबर क्या होता है, 1/टाइम, क्या होता है, 1/टाइम के बराबर होता है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ आई हुई है, ये भाई है, ये कैसे आया है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, कैसे आया ये सबसे समझने वाली बात है। तो एफिशिएंसी का उल्टा टाइम होता है, ओके, तो ये उल्टा हो गया। उल्टे का मतलब व्युत्क्रमानुपाती हो गया, 3 का उल्टा व्युत्क्रमानुपाती 1/3 होगा, 4 का उल्टा 1/4 होगा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा यार आप इसको कैसे करें, अब इसको सही करना है। अब आपने कभी भी सुना होगा कि जो भिन्न वाली संख्या होती है, जो रेशो वाली संख्या है, उसको हमें किस में करना है, रियल वैल्यू में लेकर आना है। तो ये 3 और 4 की हमने क्या लिया, एलसीएम लिया, ओके। जब एलसीएम लेते हैं तो 3 और 4 का क्या आ गया, 12 आ गया। 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 12 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो इससे काटेंगे तो ये 4 आएगा, इससे काटेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, टाइम आ गया। ये इसलिए समझा रहा हूँ मैं क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन थोड़े ए बी और सी में आएंगे। अभी 2 में आ रहे थे तो आपने क्या करा, दोनों के प्लेस चेंज कर दिए, ठीक है। तो आपने कहा यार ये तो प्लेस चेंज क्यों हो सकता है, लेकिन मैंने अगर यहाँ पर यही कहा आपसे, मैं ये कह दूँ कि इन क्वेश्चन को हटाइए, अब मैंने ये कहा ए है, बी है और सी है, इन तीनों की मैंने एफिशिएंसी आपको एफिशिएंसी बोल दी, ए की 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है। अब बताइए इन में ये एफिशिएंसी तो आपने निकाल ली, लेकिन अब टाइम बताइए क्या होगा, टाइम आप गड़बड़ कर जाओगे, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी अगर इनको आगे पीछे किया, ओके। आपको समझ में आना चाहिए कि 2 में तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, लेकिन 3 में कैसे करूँ, बताइए 3 में कैसे कर सकते हैं, 3 में नहीं होगा। तो कुछ नहीं करना है, इनको व्युत्क्रमानुपाती कर देना है, बस इनको व्युत्क्रमानुपाती कर देना, ये आपका आंसर आएगा। 3, 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई इधर, 6 का मल्टीप्लाई इधर और 6 का मल्टीप्लाई इधर, तो 6 आ गया, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। अब देखिए ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा टाइम का रेशियो आ गया, यानी कि ए की एफिशिएंसी अगर 1 है तो उसका टाइम का रेशियो जो होगा वो 6 आएगा, बी की अगर एफिशिएंसी 2 है तो उसका टाइम का रेशियो 3 आएगा, सी की एफिशिएंसी 3 है तो उसका टाइम का रेशियो 2 आएगा। ये इस प्रकार से हमें बनाना है, ओके। अब कभी भी ऐसा हो 3 संख्या हो, 4 संख्या हो, 5 संख्या हो, तो आप टाइम का रेशियो ऐसे निकाल सकते हैं, ओके। ये सिंपल है, ये किसी भी एग्ज़ाम में आप कर लें। देखिए आपको एक चीज़ पता हो गई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ओके। तो यहाँ पर जो टाइम और वर्क पे जो भी टाइम एंड वर्क वाला जो क्वेश्चन होता है हमारे पास, उसमें काम जो होता है, ए काम जो करेगा वही काम बी को भी करना है, वही काम सी को भी करना है, यानी कि डिस्टेंस क्या होती है, वो दो सभी के लिए बराबर होती है। तो डिस्टेंस को हम यहाँ पर 1 कर लेते हैं, टाइम को हमने यहाँ पर कर लिया, स्पीड को हम कभी कभी इफिशेंसी भी बोलते हैं, क्षमता भी बोलते हैं, ओके। तो ये यहाँ पर एस जो है ना, स्पीड जो है क्षमता का कार्य करता है, ओके। ये चीज़ समझ में आ गई, आगे ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, आगे अगले क्वेश्चन जो है इसी जैसे क्वेश्चन है, ओके। तो देखिए क्षमता पे आधारित क्वेश्चन है, एफिशिएंसी पे आधारित क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में ये सबसे ज़्यादा आते हैं, ओके। ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यदि ए काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है तो काम पूरा करने के लिए बी कितना समय लेगा, बी कितना समय लेगा।
ये काम बहुत सिंपल लग रहा है, ओके, है भी सिंपल, आप चाहें तो कैसे भी कर सकते हैं। ए दो के, देखिए मैं दो तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। ए व्यक्ति जो है वो किसी काम को दो दिन में, वी जो है किसी काम को तीन दिन में, एलसीएम लेंगे छः आएगा, ओके, क्या आएगा, छः आएगा, तो यहाँ पर इसकी फिर से तीन आएगी, यहाँ पर दो आएगी, टोटल काम हो गया छः, कितना हो गया टोटल काम हमारे पास, छः आ गया। और वो क्या बोल रहे हैं, यदि ए आठ दिन में किसी काम करता है, यानी कि कहने का मतलब मेरा ये है कि ए जो है आठ दिन में किसी काम को, यानी 24 जो है काम कर लेता है, क्या कर लेता है, 24 काम है। देखिए काम जो है ये छः नहीं है, ये छः तो हमने माना है, ओके, तो यानी कि जो टोटल काम है वो कितना है, 24 काम है, टोटल काम कितना है, 24 है। तो बोला क्या है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो बी जो है अपनी फिन से यानी दो की फिन से 24 काम को 12 दिन में कर लेगा, कितने दिन में कर लेगा, 12 दिन में कर लेगा। एक तरीका ये है, ओके, इससे कर सकते हैं। एक और तरीका है, कैसे करेंगे, देखिएगा, ए व्यक्ति है और आपका ए जो है किस काम को, एक ए दो काम को, ओके, दो काम मतलब दो दिन में है, मतलब ये मान लीजिए ए का दो दिन का काम मैंने, ठीक है, ये बोल दिया, बी का तीन दिन का काम, बी का क्या, तीन दिन का काम, ये बराबर है, तो ए और बी का जो रेशो आएगा, एफिशिएंसी का रेशो आएगा वो क्या आएगा, तीन अनुपात दो आएगा, ये क्या आ गया, एफिशिएंसी का रेशो आ गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एफिशिएंसी की, तो अभी मैंने बताया कि एफिशिएंसी क्या होती है और टाइम इसका रेशो कैसे बनता है, ये भी मैंने कुछ देर पहले ही बताया है। तो ए की एफिशिएंसी अगर तीन है, बी की एफिशिएंसी दो है, तो ये एफिशिएंसी आ गई, और इनका टाइम का रेशो क्या आएगा, यहाँ पर दो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, तीन आएगा। बोला क्या गया है, ए किसी काम को आठ दिन में कर रहा है, भाई से आठ दिन में, यानी कि इससे चार का गुणा करा गया होगा तब आठ आया होगा, कितना आठ आया होगा। तो बी में भी हम चार का गुणा करेंगे तो भाई साहब बी भी व्यक्ति जो है उस काम को पूरा कर लेगा, यानी 12 दिन में कर लेगा। ए 8 दिन में काम करता है तो बी 12 दिन में इस काम करेगा। तो यही क्वेश्चन हमने अभी करा था कुछ देर पहले, वहीं यहाँ पर वो सी घूम फिर कर वहीं पर आ गई, ओके, सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है, राम और राधा मिलकर 7 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, यदि राधा की कार्य क्षमता राम से 1.5 गुना है तो राधा को अकेले कार्य करने के लिए कितना समय लगेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझाया गया है अभी कुछ देर पहले ये चीज़ आपको कि राम है, ओके, मैं लिख देता हूँ, राम है और एक राधा है, ओके, ये राम और राधा हैं, ओके, किसी काम को दोनों मिलकर 7 दिन में कर रहे हैं। अब एक चीज़ समझने वाली यहाँ पर बस ये हो जाती है कि स्टूडेंट के साथ में दिक्कत का यहाँ पर आती है, ओके, ये क्षमता वाले में कि 1.5 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना, 16 गुना, 32 गुना, 30 गुना, ऐसा है तो समझिएगा, जिसकी क्षमता दी है यानी राधा की क्षमता, तो लिख दीजिए 1.5 गुना को मैं यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर 3/2 लिख दूँ, तो यहाँ पर मैं 3/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत है क्या किसी को, मैंने यहाँ पर लिखा डायरेक्ट 3/2, ओके, और इस 2 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या फिर यहाँ पर ऐसे 1 लिख दूँ, यहाँ पर 3/2 लिख दूँ, कोई दिक्कत है कि किसी को, और डायरेक्ट आकर यहाँ पर 2 लिख देता हूँ। अब ये समझ में आ गया, राम की एफिशिएंसी 2 है, राधा की एफिशिएंसी 3 है, राम की 2 है, राधा की 3 है, ओके, तो ये एफिशिएंसी तो हमारे पास आ गई, और टाइम का रेशो क्या जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही समझाया, ये चीज़ समझ में आ गई। बोला क्या, राम और राधा मिलकर 7 दिन में काम करते हैं, 7 दिन में काम करेंगे और दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो ये टोटल काम कितना आएगा। अच्छा, एफिशिएंसी से हमें काम लेना होगा, ठीक है, ये एफिशिएंसी से काम हमें जो है टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क कैसे निकलेगा, एफिशिएंसी से निकलेगा 4, ओके, यहाँ पर 5 हो जाएगा, वैसे इससे भी निकालते तो भी 5 हो जाते, लेकिन कभी कभी का स्टूडेंट का होता है सोचता है यार इससे भी आ जाएगा, अरे भाई ये कार्य है, ओके, मतलब दिन है, ठीक है, दिन को आप जो है अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल दिन में कितने दिन में कार्य हो रहा है और कित टोटल इसकी एफिशिएंसी कितनी है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर टोटल काम आएगा, यानी पूरा काम कितना है वो आएगा, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, कर लीजिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं, 5 से 35 करना, नहीं करें, नहीं कोई दिक्कत नहीं, ओके, तो ये हो गया।
अब बोला क्या है, तो राधा अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगी। राधा की इफिशिएंसी कितनी है, राधा की इफिशिएंसी है 3, ठीक है, राधा की इफिशिएंसी है 3, ठीक है, तो राधा की इफिशिएंसी 3 है और ये काम कितना 35 है, और 3 की इफिशिएंसी करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है, बचेगा 2 और बटे में 3, 11 सही 2/3 ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी में है। तो देखिए एक चीज़ हमने एक्स्ट्रा निकाली दी यहाँ पर, ओके, ये टाइम वाली जो है वो एक्स्ट्रा मेरे निकल गई, वैसे ज़रूरत नहीं थी, नहीं हमारे पास टाइम को निकालने की ज़रूरत थी नहीं, हमें इफिशेंसी से ही हमारा काम चल जाता, ओके। तो ये चीज़ हमारे पास एक्स्ट्रा निकल गई, लेकिन आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि हमें कुछ एक्स्ट्रा निकाल के नहीं रखना, जितना हमें एग्ज़ाम पूछ रहा है उतनी हमें बताना है, उससे ज़्यादा नहीं बताना है, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या, ए किसी कार्य को करने में 2 से 2.5 गुना समय लेता है, 2.5 गुना समय लेता है। अगर 2.5 गुना समय लेता है, ये एक बार चेक कर लेते हैं, 2.5 गुना समय लेता है, ठीक है। यदि बी अकेले उस काम को 35 दिनों में समाप्त कर सकता है, तो वह मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है भाई। तो देखिए पहले तो हमें ये चीज़ निकालनी है कि ये गुना वाला जो है उसको हटा देते हैं भाई, हमें डायरेक्ट हमें सही चीज़ चाहिए, मतलब इसका टाइम अगर हमें बताया है तो हमें टाइम डे में चाहिए, 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में जैसे भी है उसमें चाहिए, हमें 2.5 दिन 5 दिन 4 दिन में नहीं चाहिए। तो 2.5 को पहले तो हमें पता है कि ये 2 सही 2/1/2 है, तो इसको 4 5/2 में हमें पता करना ये हो जाएगा, तो 5/2 यानी कि ए हो गया, एक व्यक्ति भाई साहब ए हमारे पास हैं, एक व्यक्ति बी हैं, ओके। ये हम यहाँ पर इसके अगर थोड़ी सी और यहाँ पर लिख लेते, ए है यहाँ पर बी है, ये टाइम का रेशो हम कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा कि 5/2 बी क्या कर रहा है, 5/2 में काम में किसने इतने समय में काम कर रहा है। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई इधर करता हूँ तो ए जो है वो कितने दिन में काम करेगा बताइए, कैसे काम, अच्छा इसमें गुना समय लेता है, अच्छा ये चीज़ थोड़ा सा हमें कंफ्यूज़ कर रही है ना, कंफ्यूज़ कर, ए किसी काम को करने में बी से है तो एक चीज़ रुकिएगा मेरी बात सुन लीजिए, ए की बात हो रही है, बात किससे हो रही, ए की बात हो रही है, तो 5/2 यहाँ पर रखना होगा हमें, जिससे यहाँ पर 2 चला जाएगा, ओके। क्योंकि क्या है कि 5 जो कि जो समय की बात हो रही है वो किससे कंपेरिजन किया जा रहा है, कार्य करने के लिए 2 से 2.5 गुना समय अधिक लेता है, ओके। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो 5/2 यानी कि ए जो है समय ज़्यादा ले रहा है, ए 5 समय ले रहा है तो बी 2 समय ले रहा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ओके। तो इसी प्रकार आप देख सकते हैं इफिशिएंसी क्या होगी, इसकी इफिशिएंसी 2 होगी, इसकी इफिशिएंसी 5 होगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई, इफिशिएंसी भाई कम होगी तभी तो जो है वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। बोला क्या है कि बी अकेले उस कार्य को, वी जो है अगर अकेले कार्य करे तो 35 दिन में कार्य कंप्लीट कर लेता, यानी टोटल कार्य होगा, टोटल कार्य कितना 35 × 5 होगा, ये क्या है टोटल कार्य है। पूछा क्या है, तो वह मिलकर मतलब ये दोनों मिल जाए, यानी 2 और 5 दोनों मिल जाए, यानी 7 की इफिशिएंसी से कार्य करें तो जो कार्य है वो कितने समय में कंप्लीट होगा, तो 5 × 7 = 35 यानी 25 दिन में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, 25 डेज में कार्य कंप्लीट हो जाएगा, सिंपल है। आगे चलें इस क्वेश्चन को, देखिए एक एक लाइन में क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं एक एक लाइन में कंप्लीट हो रहे हैं, ज़्यादा हम लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, जहाँ पर पड़ेगी वहाँ मैं अपने आप लिखूँगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी की तुलना में 30% अधिक सक्षम है, और ए अकेला एक कार्य को 23 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। सॉरी देखिए ये क्वेश्चन जो है 2 तरीके से हो सकता है, ओके, लेकिन यहाँ पर जो सही अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी बता देता हूँ मैं आपको। देखिए पहले चीज़ तो ये 30% वाला जो है हमें काम ख़त्म करना है, कि ये 30% जो है वो नहीं चाहिए भाई हमें तो सही एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, और यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है तो इफिशेंसी ही आएगी पहले।
अगर मान लीजिए यहाँ पर 30% की बात हो रही है, 30% क्या होता है, 30/100 होता है, ओके। तो यहाँ पर जो 100 है अधिक की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, अधिक की बात हो रही है, तो कुछ दिक्कत नहीं है, इसको इससे काट लीजिए तो 3 होगा और 10 होगा, यानी कि ये बढ़कर कोई एक बड़ा अधिक है तो ये किसी के पास 13 होगा और किसी एक व्यक्ति के पास 10 होगा। ये चीज़ समझ में आती है आपको? बोला क्या, ए व्यक्ति जो है बी से ज़्यादा कार्य कुशल, यानी ए के पास 10 का एफिशिएंसी होगा, बी के, अच्छा ए सॉरी, ए के पास जो है ज़्यादा एफिशिएंसी, 13 एफिशिएंसी होगा और बी के पास 10 की एफिशिएंसी होगी। ये चीज़ समझने में बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं स्टूडेंट, सोचते हैं कि यार ये जो है ये चीज़ समझ में नहीं आती कि 10 कहाँ आएगा, ये कहाँ पर आएगा। अभी एक चीज़ समझिएगा, सिंपल चीज़, बोला क्या है, ए बी से, बी की तुलना में या बी से, ए बी से यानी किससे, बी से ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला कहाँ, ए के पास आ गया, कम वाला बी के पास आ गया। अब आपको ये आई थिंक समझ में आ गया होगा कि किससे जो है कम किसको, ज़्यादा किसको देना है, ओके। टाइम कहाँ पर आएगा भाई, टाइम आएगा यहाँ पर, ओके। टाइम क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा टाइम, अभी कुछ देर पहले ही बताया था रेशो के उसमें, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन, क्या ए अकेले किसी कार्य को, यानी ए व्यक्ति जो है वह 23 दिन में कार्य कर लेता है, तो टोटल कार्य कितना होगा, ये टोटल कार्य है, ये टोटल कार्य आ गया हमारा, ठीक है। अगर ये टोटल कार्य आ गया तो उसने बोला है दोनों मिलकर अगर कार्य करें, यानी कि दोनों को, दोनों की एफिशिएंसी अगर मिला लेते हैं, है ना, क्या कर लेते हैं, अच्छा एक, अच्छा एक चीज़ और हमने शायद आई थिंक गलती कर दी है, क्या गलती कर दी है, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा टाइम निकाल दिया था उसकी वजह से एक गलती यहाँ पर हमसे हुई है। क्या हुई है कि हमें जो टोटल टाइम, टोटल काम निकालना होता है वो टाइम से नहीं निकलता है, वो एफिशिएंसी से निकलता है। तो यहाँ पर 13 का मल्टीप्लाई करना था, किसका, 13 का मल्टीप्लाई करना था, जो कि हमने यहाँ पर 10 का कर दिया है, ओके। कभी कभी गलती हो जाती है भाई, ओके। तो टोटल वर्क आ गया आपका 23 × 13, ओके, 23 × 13 टोटल वर्क आ गया हमारे पास। अब हमारे पास टोटल वर्क तो आ गया, अब हमें क्या चाहिए, दोनों से काम कराना है, यानी कि दोनों की फीस कितनी, 10 और 13, 23 के हिसाब से ही काम करेंगे, तो 23 के हिसाब से काम करें तो जो काम होगा वो 13 दिन में कंप्लीट होगा। क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 13 आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देख रहे हैं आप, दो दो तीन तीन लाइन में कंप्लीट हो रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है अगला, ए बी की तुलना में 16/2/3% अधिक है। अब देखिए अधिक कौन है, ए है, तो अधिक वाली चीज़ ए के पास रखेंगे, ओके, क्षमता अधिक है। और अकेले एक कार्य को 39 दिन में कर सकता है। अच्छा अब ये जो है यहाँ पर, अच्छा ए जो है अकेले, यहाँ पर देखिएगा एक लिख लीजिएगा, और ए अकेले यहाँ पर क्या है, कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ए अकेले की बात हो रही, ए अकेले एक कार्य को 39 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए की बात हो रही है, ओके। अब पहले तो ये समझिए 16/2/3 का मतलब क्या होता है, तो 16/2/3 का मतलब होता है 1/6, ओके। अब बोला है इससे अधिक क्षमता है, अधिक क्षमता की मतलब इसमें 1+ करेंगे ए में, ओके, ए और बी की बात हो रही है यहाँ पर, ए में इसको 1 को प्लस करेंगे तो ए की क्षमता होगी 7, ओके, और बी की क्षमता होगी 6, ए की क्षमता होगी 7, बी की क्षमता होगी आपकी 6, ठीक है। अब ये एफिशिएंसी आ गई, टाइम करना है तो कर लीजिए, नहीं तो हमें ज़रूरत नहीं है टाइम की अभी, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है टाइम की, ध्यान रखेंगे। ए अकेला, ए व्यक्ति जो है किसी काम को 39 दिन में कर लेता है, ओके, तो टोटल वर्क कितना होगा, 39 × 7, ये इसका टोटल वर्क आ गया। अब क्या बोला है, दोनों मिलकर इसी कार्य को करें, यानी 39 × 7 कार्य करें, तो दोनों का कार्य करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी को प्लस करेंगे, 6 × 12 = 13, 13 के हिसाब से करेंगे, 13 × 3 = 39, ओके, 39 और 7 = 21, तो 21 दिन में इस कार्य को पूरा वह कर लेंगे, कितने दिन में, 21 दिन में इस कार्य को पूरा कर लेंगे, ठीक है। चलिए अगले कार्य करेंगे, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करने में कई लोग जो हैं आपको शायद ही कराएं एग्ज़ाम में, ओके, मतलब एग्ज़ाम में तो ये आया हुआ है,
यूट्यूब पे तो शायद ही बहुत कम लोगों ने आई थिंक ये क्वेश्चन कराया हुआ है, जितने ने भी कराया है वो थोड़ा समझाया भी नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, दो समान ऊंचाई की मोमबत्तियाँ क्रमशः 4 और 6 घंटे पूरी तरह जल सकती हैं। यानी यहाँ पर ये बोला है कि कोई भी दो व्यक्ति मान लीजिए, मैंने एक मोमबत्ती की जगह दो व्यक्ति मान लिए कि कोई दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्ति दौड़ रहे हैं ग्राउंड के, मतलब एक एक ए से लेकर बी तक कोई दो व्यक्ति दौड़ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक जो कॉर्नर है यहाँ पर और यहाँ से लेकर यहाँ तक दौड़ना है, ओके ठीक है, ए कोई व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है। ए दौड़ रहा है तो 4 घंटे में इसको कंप्लीट कर रहा है, बी दौड़ रहा है तो इसको 6 घंटे में कंप्लीट कर रहा है। और याद रखें जब भी टाइम की बात आ रही है, टाइम डिस्टेंस वाली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उसमें हमेशा टाइम एंड वर्क वाले क्वेश्चन हमेशा डिस्टेंस समान होती है, दोनों के लिए समान होगी, ओके। क्वेश्चन क्या बोला है, पूरी तरह जल जाती हैं, जल जाती का मतलब वह अपनी जगह पर पहुंचते हैं, ए पहुंच रहा है 4 घंटे में, बी पहुंच रहा है 6 घंटे में। अगर दोनों अपनी स्थायी चाल से एक ही समय जलना शुरू करें, यानी दोनों को एक साथ जलाया जाए और वो स्पीड भी उनकी एक ही रखी जाए, तो ज्ञात करो कि कितने समय बाद उनकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। बढ़िया भाई, तो इन क्वेश्चन करने में बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ए एक पहले व्यक्ति को मैंने ए मान लिया, मोमबत्ती को ए मान लिया, ये जो इसकी जो जो है वो 4 घंटे में चलता है, ये 6 घंटे में, ओके। मैंने इसलिए घंटे में कर लिया इसको कन्वर्ट क्योंकि ये यहाँ पर घंटे में ही दिया हुआ है, ओके। तो एक चीज़ मुझे बताइएगा, आपका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये पता है आपको, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ मैं यहाँ पर, तो स्पीड इंटू टाइम होता है, ये सभी को पता है ना, इतना सिंपल चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, इस ये चीज़ तो आपको पता ही होगी, ये चीज़ पता है। अभी हमें क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है, 24 भी ले सकते हैं, 12 यहाँ पर आ गया, 24 से थोड़ा सा जो है बड़ा हो जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा। ये 3 और 2 क्या है, ये आपकी स्पीड है, क्या है स्पीड है कि भैया स्पीड है, यानी कि ये 3 किलोमीटर पर आवर, ओके, किलोमीटर पर हावर की स्पीड चल रहा है, ये 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ये 12 क्या आया है, ये 12 जो आया है वो आया है टोटल दूरी कितनी है, 12 है, ठीक है। यानी मोमबत्ती को अगर हाइट मान लिया जाए, मोमबत्ती के जो 12 है वो 12 किलोमीटर हाइट मान लीजिए, किसी मोमबत्ती की चाल जलने की चाल को 3 किलोमीटर एक ही जलने की स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए, बी के जलने की स्पीड मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, ये समझ में आ रहा है। अब एक चीज़ सुनिएगा, अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया था डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है, ये चीज़ तो पता है कि नहीं पता, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम होता है। अब पोला क्या है कि उन्होंने रेशो दे दिया है, ये किसका रेशो दिया है, उनकी ऊंचाई का अनुपात दिया है, ऊंचाई मतलब जो हाइट है उसका अनुपात दिया है, तो ये 2:3 दिया है। अगर मुझे हाइट निकालनी है, ए की हाइट निकाल लूँगा और बी की हाइट निकालूँगा, कि कैसे निकालूँगा भाई हाइट, मैं टोटल हाइट में से जो जली हुई हाइट है उसको मैं घटा दूँगा। अब जली हुई हाइट को मैं कैसे कैलकुलेट करूँ भाई, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, 12 में से 3 घटाऊँ क्या, तो आप बोलोगे यार 12 में से 3 घटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर हमें एक अचर वैल्यू लेनी पड़ेगी, मेरे को टी समय मानना होगा कि ये जो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो चल रहा है वो टी समय में, 12 में से मैं टी समय घटाऊंगा, कोई 3 के साथ में मुझे टी समय रखना पड़ेगा, जिससे क्या है जो वैल्यू आएगी, मुझे चाहिए क्या है, मुझे चाहिए वो टी समय कि भैया 2/3 जो अनुपात है वो कितने समय बाद, समय की बात हो रही है तो समय के बाद टी ही मैंने मान लिया, कितने समय बाद जो जाएगा टी मैंने मान लिया, कितने समय बाद जो है इसको ये 2:3 हो जाएगी, तो यहाँ पर टी मान लिया मैंने भाई। और ये दूसरी वाली है इसको भी मैंने क्या कहा, यहाँ पर भी ये 2T मान लिया मैंने,
इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 दुनी 24, ठीक है। तो यहाँ पर रख लेते हैं 12 दुनी 24, ठीक है, ये आ गया। इसमें से करेंगे 12 तिया 36, तो एक काम करिए पहले कर लीजिए 12 दुनी 24, ओके, और ये आएगा 4t, ठीक है जी, 4t बराबर में कितना आएगा 12 तिया 36, ओके, और 3 3 का 9, ठीक है, टी आ गया। इसमें कटाएंगे तो 5t, यहाँ पर एक काम करिए 36 को उधर लेके आएंगे तो कितना आएगा 6 और 6 12, कितना आएगा 6 और 6 12 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आएगा 5t, ठीक है। टी हमने क्या माना था, ये टी माना था वह समय जब दोनों मोमबत्ती एक साथ जली और 2:3 की ऊंचाई तक वो जल पाए, ये मैंने माना था, ठीक है। इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो 12/5 यानी कि 12/5 समय में, 5 समय तक वो जलेंगी और उनका ऊंचाई का अनुपात 2:3 रह जाएगा। आपको ऑप्शन में दिया है 12/5, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको अभी तक की वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, समझ में आए हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुए, ओके, बाकी हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन चालू होते हैं जो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आराम से बैठ कर देखिए असली क्वेश्चन तो अब चालू हुए। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक ही काम को 7/10 भाग या काम का 7/10 भाग 15 दिन में कर सकता है। ए बचे हुए काम को बी की सहायता से 4 दिन में पूरा करता है। ज्ञात करो दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में करेंगे, दोनों मिलकर, ओके, ए प्लस बी। तो पहले तो एक चीज़ बताइएगा, 7/10 दिया है हमारे पास, यानी ये जो काम है वो टोटल काम है हमारे पास, क्या है, टोटल काम है। ये जो काम है वो किसके द्वारा किया गया होगा, ए के द्वारा किया गया होगा। बचा हुआ काम कितना है, 3 काम है। ये 3 काम किसने करा होगा, को बोला है ना कि बचा हुआ, ये जो काम है ये 7 काम जो है वो 15 दिन में किया, 7 काम को 15 दिन में किया। अब बचा हुआ काम ए ने, बचे हुए काम को ए ने, ए और बी ने काम किया, बचे हुए काम को ए की सहायता से बी ने, बी की सहायता से या ए की सहायता, दोनों से, दोनों मतलब दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, तो वे 4 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में उस काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में उस काम कर रहे हैं। अगर मैं ये बोलूँ कि ऐसा मैं बोल देता हूँ कि एक काम करिए कि ये 4 दिन में कर रहे हैं ना इस काम को, 3 काम को वो 4 दिन में कर रहे हैं, तो कैसे बताऊं कि भैया मैं ऐसे कर सकता हूं कि वो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3/4, 1 दिन में कितना काम करेंगे, 3/4 काम कर लेंगे। अब मुझसे बोला क्या है, ज्ञात करो कि दोनों मिलकर इस काम कितना दिन में करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। भैया दोनों मिलकर काम तो बस यहीं पर कर रहे हैं, ए प्लस बी, उसके बाद तो काम कंप्लीट हो गया, ए प्लस बी कर रहे हैं और ए प्लस बी जो है वो काम तो कंप्लीट हो गया, लास्ट में हो गया कि नहीं हो गया, 3 काम बचा था वो कंप्लीट कर दिया, कितने दिन में, 4 दिन में। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो ज्ञात करना है वो हमें ए प्लस बी यानी कि इसी से ही ज्ञात करना है, क्योंकि 1 दिन काम कितना है, 3/4 है। जब टोटल काम हमें पता है और 1 दिन काम ये है और टोटल काम करने में कितना समय लगेगा, 3/4 समय लग रहा है 1 दिन के हिसाब से, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 40 हो जाएगा, 3/4 आ जाएगा, यानी ए प्लस बी अगर इस काम करते हैं तो 40/3 समय में कर पाएंगे। ये समझ में आई होगी आई थिंक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, आराम से पढ़ना है, रेड में जो बना है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, ओके। क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए हैं क्योंकि ऑप्शन दो देता तो थोड़ा सा जगह कम पड़ जाती है, और क्वेश्चन थोड़ा अच्छा समझाने के लिए, देखिए समझाना पड़ेगा इस क्वेश्चन को, तब जो है समझ में आएगा, नहीं तो इस क्वेश्चन करेंगे अगर होता है बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को देखिएगा। ए प्लस बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस बी जो है 6 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 2.5 गुना या 1/2 दिन कम लेता है, जबकि तीनों मिलकर उस काम को 5 दिन में कर सकते हैं, तो वह अलग अलग होकर इस काम को कितने समय में करेंगे। देखिए बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने में कई लोग नहीं कर पाते हैं भाई,
पहले तो हमें क्या क्या दिया है वो हमें समझना चाहिए। ए प्लस बी जो अगर काम करते हैं स्टार्टिंग में तो वो 6 दिन में इस काम को कर लेते हैं। कितने दिन में कर लेते हैं? 6 दिन में। और अगर हम इसमें यही बात करें कि अगर तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, कितने, तीनों मिलकर अगर काम कर रहे हैं, ए मिल गया, बी मिल गया और सी भी अगर आ जाता है तो उसी काम को वो 5 दिन में कर लेते हैं, 5 दिन में कर लेते हैं। यहाँ से हम इन तीनों की या दोनों की जो है, दोनों की मतलब ए प्लस बी की और ए प्लस बी प्लस सी की, तीनों की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 30, ओके, यहाँ पर 30 आ जाएगा तो हमें एफिशिएंसी निकालने में सहायता हो जाएगी। तो 6 × 5 = 30 और यहाँ पर आएगा 6, ओके। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है यहाँ पर कितनी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5, तो यहाँ पर ए प्लस बी की एफिशिएंसी 5 आएगी। और सी की एफिशिएंसी कितनी आएगी, अगर यहाँ पर है तो यहाँ पर सी की एफिशिएंसी 1 आएगी। कितनी आएगी? 1 आ गई। ये चीज़ आ गई। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, ए प्लस बी की एफिशिएंसी तो आपकी 5 है और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1, ओके। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा रखना पड़ेगा भाई, चीज़ों को हमें रख रख कर देखना पड़ेगा, तब हमारा एग्ज़ाम में क्वेश्चन होगा। ए प्लस सी, ओके, अब बोला ए प्लस सी, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में एक और चीज़ बोली, ए प्लस सी उसी कार्य को बी प्लस सी से 2.5 दिन में, 2.5 दिन जो है, 2.5 दिन कम में कर लेता है। अच्छा, बी प्लस सी से 2.5 दिन में कम, ठीक है, चलिए भाई इसको भी समझ लेते हैं भाई। यहाँ से अगर क्वेश्चन करेंगे तो कैसे कर पाएंगे देखिएगा। अब 2.5 दिन की बात करिए, कितने दिन की बात करिए हमसे, 2.5 दिन कम में कर लेता है। ये चीज़ बहुत समझने वाली बात है, 2.5 दिन कम में कर लेता है। ये आपको क्या करना होगा, इनका डिफरेंस निकालना। अगर हमारे पास ए प्लस सी और बी प्लस सी का जो डिफरेंस है वो 2.5 दिन आ जाता है तो हमारे पास जो एफिशिएंसी है, सही सही एफिशिएंसी है, क्योंकि देखिए सी की एफिशिएंसी हमारे पास है लेकिन बी और ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी हमारे पास अभी नहीं है, तो वो हमें प्रूव करना पड़ेगा ए और बी की अलग अलग एफिशिएंसी कितनी है। तो वो हमें कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये डिफरेंस से, जो 2 = 1/2 डिफरेंस अगर आ गया, अगर इन दोनों का डिफरेंस आ गया तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इन दोनों का जो हमने ए की वैल्यू और बी की वैल्यू जो मानी है वो सही है। अब मान लीजिए सी की एफिशिएंसी तो बनी है और यहाँ पर ही 1 है, अब यहाँ पर हमें कितनी करनी है, देखिए एक सभी के पास, सी के पास तो बनी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा भाई, बिल्कुल आएगा। अगर मैंने यहाँ पर क्या मान लिया भाई, मैंने ए की बी, ए की बी की एफिशिएंसी 1 मान ली, अगर बी की एफिशिएंसी मैंने 1 मानी है, ओके, कितनी मानी, 1 है, तो ए की कितनी माननी पड़ेगी मुझे, ए की माननी पड़ेगी मुझे 4 माननी पड़ेगी कि नहीं माननी पड़ेगी, क्योंकि 5 है ऑलरेडी, ठीक है। अगर मैं ए प्लस सी से काम करवाता हूँ, यानी कि 5 की एफिशिएंसी से काम करता हूँ और टोटल काम है मेरे पास 30 है, ओके, तो ये आ जाएगा मेरे पास 6, और इन दोनों की एफिशिएंसी से अगर मैं काम करता हूँ और मेरे पास कितना काम है, 30 काम है, और मैं ऐसे करता हूँ तो कितना आएगा, 15 काम आएगा। अगर मैं घटाऊँगा, क्या मेरा 2.5 गुना आ रहा है या मेरा 2.5 दिन आ रहा है, क्या नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा तो ये हमारे जो रखी हैं वैल्यू वो गलत रखी हैं, ओके, तो गलत रखी हैं तो भाई हम क्या करते हैं, तो सही कर लेते हैं। तो सी तो 1 ही रहेगा, कोई बड़ा घटाना बढ़ाना नहीं है, इसको 2 कर दिया तो इसको मुझे 3 करना पड़ेगा, इसको मुझे यहाँ पर 5 करना है ना, इसलिए यहाँ पर जो हो गया, ठीक है, 3, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 3 और 2 को प्लस कर 5 आना चाहिए, आ रहा है, ठीक है, अभी है, तो हमारे पास टोटल काम है 30 और इनकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पर है आपका कितनी है, 4 हो गया, ठीक है, यहाँ पर कितनी है, 30/3 है, ओके, ये कितनी आ गई, 10 आ गई, ओके, कितनी आ गई आपकी, 10 आ गई। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, क्या, अच्छा यहाँ पर, अच्छा अच्छा एक मिनट रुकिएगा, 3 और 2, एक चीज़ और देखने वाली है यहाँ पर, हमारे पास अंतर नहीं आ रहा, ओके, 3 आ गया, अच्छा अच्छा एक मिनट रुकिएगा, हमने क्या करा है भाई, अच्छा ये हमने काटे ही नहीं है ना, इसको काट तो लीजिए पहले, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 × 7, ओके, 28 2 आएगा यहाँ पर, ओके, 2 आएगा, और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा, अच्छा 1/2 आ जाएगा, यानी 7.5 आ गया, इस 7.5 में 7.5 को घटाएंगे तो 2.5 आ जाएगा भाई। ये हमारा प्रूव्ड हो गया कि ये 2.5 आ रहा है, दोनों घटाने पे क्या आ रहा है, 2.5 आ रहा है, यानी ए की वैल्यू बी की वैल्यू जो हमने रखी है वो हमारा क्या है, सही वैल्यू है, यानी ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2, बिल्कुल सही है। अब हमें क्या पता चल गया कि तीनों को हमें अलग अलग काम निकालना है,
तो ए का अगर हम ए से ए के द्वारा अगर हम 30 काम करते हैं और 3 की स्पीड से काम करेंगे तो 10 दिन में कर लेंगे भाई। बी अगर व्यक्ति काम कर रहा है 30 काम करेगा और वो 2 की फीस से करेगा तो 15 दिन में कर लेगा भाई, ठीक है। सी करेगा 1 की फीस से करेगा तो डायरेक्ट 30 ही दिन में कर लेगा भाई। ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। आगे क्यों नहीं आ गया, बस थोड़ा सा समझाने में दिक्कत है, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ है, बस वैल्यूज चेंज है, कर जरूर बताइएगा। ओके चलिए, क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी उसी कार्य को करने में बी प्लस सी से 2.5 दिन कम लेता है। ओके 2.5 दिन है भाई, ओके बी प्लस सी से 2.5 दिन जो है कम लेता है ना। ओके 2.5 दिन है, यहाँ पर एक चीज रुकिएगा, ये क्वेश्चन में जो है हमारा 2.5 दिन नहीं है, ये एक सही 1/1 सही यहाँ पर गलत कर, ये चेंज करना पड़ेगा भाई। ओके एक मिनट, नहीं तो क्वेश्चन ओके अच्छा मैंने क्वेश्चन को चेंज नहीं किया था इसलिए क्वेश्चन सेम एज इट इज आ रहा था। ओके कोई बात नहीं, क्वेश्चन का चेंज कर दिया है उसके वजह से दिक्कत होती। अब देखिए क्वेश्चन है ए प्लस बी किसी काम को 7 दिन में कर सकते हैं, ए प्लस सी उसी काम को करने में बी प्लस सी से 1/3 दिन कम लेता है, जबकि तीनों मिलकर इस कार्य को 4/1/5 दिन में कर देते हैं, तो वे अलग अलग होकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग चीज़ नहीं है। ए प्लस बी की बात आ रही है हमारे पास, 7 दिन में कोई काम करते हैं, तीनों अगर मिलकर काम करते हैं तो इतने दिन में होता है, तो 4/1/5 को कन्वर्ट करेंगे, 4×5 = 20, 21/5 आ जाएगा, तो 21/5 रख देते हैं। ए प्लस बी प्लस सी यानी ए प्लस बी प्लस जो आपका है सी जो है वह काम हो रहा है 21/5 दिन में। ओके एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे और एलसीएम लेकर आपको पता है 21 ही आने वाला है, यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 और ये 5 आ जाएगा, ये 3 और 5 एक्सपेंसी आ गई। अच्छा ए प्लस बी की फीसी है 3, अगर ए प्लस बी की फीसी 3 है और यहाँ पर सी की फीसी कितनी आएगी, तो सी की फीसी डायरेक्ट 2 आ जाएगी, कितनी आ गई 2 आ गई। ये तो आपको समझ में आ गया सी की फीसी कहाँ से आई। अब हमें ये पता करना है कि जो ए प्लस बी यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए प्लस सी और बी प्लस सी का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 1/3/4 आना चाहिए, कितना 1/3/4 आना चाहिए। अगर वो 1/3/4 आता है तो हमारा क्वेश्चन का हमारे पास यहाँ पर जो सेटिस्फेक्शन है वो करना सही हो जाएगा। तो ये सी की फिनसी तो हमारे पास 2-2 है, वो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार हम क्या करते हैं, हम जो है एक काम करते हैं, ए को 1 रखते हैं, बी को हमने 2 रखा, क्यों रखा, क्योंकि ऑलरेडी हमें 3 बनाना है, कितना बनाना है हमें 3 बनाना, अगर हमें 3 बनाना है तो यहाँ पर ये चीज़ रखना ज़रूरी है। ओके ये रखना ज़रूरी है, ठीक है, तो हमने रख दिया। अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं टोटल वर्क कितना 21 है, ओके बटे में कितना 3 आएगा, 3×7 = 21, 7 आ गया, कितना आ गया 7 आ गया, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, 4 ही आएगा ना भाई, यहाँ 4 आएगा, 21/4 करिएगा, ओके तो 4, अच्छा 21/4 आप डायरेक्ट काम घटा दीजिए, इसमें 7 × 28 में से घटाएंगे किसको 21 को, तो कितना आएगा 21 को घटाएंगे 7/4 में से कितना आएगा आपका, तो 21 में से अच्छा 21 में 7 ओके तो 7/4 आएगा, 7/4 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा अब एक चीज़ एक काम और करिएगा, ये वाली जो वैल्यू दी है उसको सॉल्व कर लीजिए, 1/3/4 को मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा 7/4, तो ये 7/4 आ रहा है कि नहीं आ रहा, डिफरेंस आ रहा है ना डिफरेंस, तो 7/4 डिफरेंस आ रहा है, यानी कि हमारी ए बी सी की वैल्यू करेक्ट रखी हमने, क्या रखी है ए बी सी की हमने वैल्यू करेक्ट रखी, जब करेक्ट वैल्यू रखी है तो हमें कोई करने की दिक्कत ही नहीं है, तो हम क्या करें ए बी सी का काम निकाल देते हैं भाई डायरेक्ट। ओके ठीक है ए बी सी का काम निकाल देते हैं, तो ए अगर काम करेगा अकेला 21 दिन काम करेगा तो 21 दिन में कर लेगा भाई। ओके बी काम करेगा ओके तो 21/2 ही दिन में करेगा। ओके सी काम करेगा तो 2 की फीसदी वो भी सेम डेज में करेगा, तो ये भी होगा, ये हमारा तीनों का हमारा काम आ गया भाई। ओके तो ये इस प्रकार से इस क्वेश्चन कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है लेकिन 2-3 लाइन में कंप्लीट हो सकता है। ओके चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं,
यदि 23 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाए तो पूरा काम 33 दिन में समाप्त होता है, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले तो ये समझना होगा कि ए प्लस बी जो है वो कार्य कर रहे हैं 30 दिन में। हमें पता है कि अगर कोई कार्य है, जैसे मान ली यहाँ से यहाँ तक का कार्य है, ये देखिए मैंने यहाँ से यहाँ तक का कोई कार्य माना, ये पूरा कार्य है, ठीक है, ये 33 दिन में होता है। कितने दिन में हो रहा है? 33 दिन में हो रहा है। और कौन कर रहा है? ए प्लस बी कर रहा है, ठीक है, ए प्लस बी कर रहे हैं। अब मैंने बोला कि 30 दिन का, 30 दिन में तो 30 दिन में इस कार्य को पूरा कर सकते हैं, लेकिन हुआ क्या, 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 23 दिन बाद, यानी कि ए प्लस बी काम कर रहे थे और कितने दिन हुए, मात्र 23 डेज ही हुए हैं, 23 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, यानी बी ने काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले छोड़ दिया? बी ने यहाँ से यहाँ तक, यानी 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। कितने दिन पहले काम छोड़ दिया बी ने? 7 दिन पहले काम छोड़ दिया। तो ये 7 दिन का काम कौन ने किया? 7 दिन काम कौन ने किया? बी ने, ए ने किया होगा। यहाँ पर चला गया भाई से, यहाँ से ए प्लस बी दोनों थे पहले, ओके, और बी चला गया और बी ने और 3 दिन और काम किया, 3 दिन और काम किया, यानी 30 दिन तक टोटल काम चला, क्योंकि एक्चुअल में क्या, वो बी चला गया तो बी के हिस्से का काम भी इसको करना पड़ा। ये 3 दिन एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, ओके, एक्स्ट्रा काम किस करना पड़ा? ए को करना पड़ा। और बचा हुआ काम, मतलब जो 7 दिन है वो बी चला गया था, ओके, बी जो है 7 दिन पहले चला गया था। कितने? 7 दिन पहले चला गया था, इसलिए करना पड़ा। तो हमारे पास क्या क्या है? एक तो पहले से ए बी का अनुपात है हमारे पास, हमें पता है। तो ये टाइम जो है वो कौन ले रहा है? देखिए ए जो है 3, देखिए सुनिए मेरी बात, एक बहुत सिंपल सा चीज़ सुनिएगा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। देखिए क्या है, ए प्लस बी ने 23 दिन तक काम किया, ठीक है, अब 23 दिन तक जो काम किया है और टोटल काम करना था, अगर दोनों मिलकर करते तो 30 दिन तक काम हो सकता था, लेकिन वो 23 दिन तक काम करके बी व्यक्ति चला गया, जिसकी वजह से ए को पहले जो 7 दिन में काम होने वाला था, पहले तो 7 दिन और 7 दिन तक काम करा उसने, पूरे काम को निपटाया, इतना बचा था, और 3 दिन और एक्स्ट्रा काम किया, 3 दिन और एक्स्ट्रा काम किया, यानी कि इस काम की जो वैल्यू है यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की वो सेम होगी। क्या है? सेम होगी। तो यानी कि ए ने 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, जो काम 3 एक्स्ट्रा काम किया है वो बी के, यानी इसके बराबर, 7 काम के बराबर थी। ये समय की बात हो रही है यहाँ पर, ये टाइम बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है, ये टाइम है भाई, टी है, ओके। तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी? ये 7 और 3 की एफिशिएंसी होगी। कितनी हो गई एफिशिएंसी? हो जाएगी ये 7 और 3 की, ये एफिशिएंसी है, ठीक है, ये समझिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। ए ने 3 दिन और काम किया जो बी के द्वारा 7 दिन में होना था। सुनिएगा मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, द्वारा दोहरा रहा हूँ। ए व्यक्ति ने 3 दिन और काम किया जो काम बी को 7 दिन में करना था, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब अगर ये चीज़ समझ में आई तो अब क्वेश्चन बिल्कुल पूरा क्रिस्टल क्लियर होगा। क्वेश्चन का अब हमसे बोला क्या है, बी अकेले उस कार्य को कितने समय में करेगा? तो ए की एफिशिएंसी हमारे पास है, बी की एफिशिएंसी हमारे पास है, टोटल वर्क जो होगा वो 30 × y कितना होगा? यहाँ पर 21 होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 और 7 जो है एफिशिएंसी हमारे पास ये है, 3 और 7 21, यहाँ पर एफिशिएंसी आएगा, ओके। तो एफिशिएंसी यहाँ से कर सकते हैं, या फिर एक टोटल वर्क जो है आप निकाल सकते हैं, ओके। टोटल वर्क कैसे आएगा भाई? टोटल वर्क निकालने के लिए कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसमें, सॉरी 21 नहीं होगा, 10 होगा ना, 10 होगा यहाँ पर, जो कि टोटल वर्क हमें निकल जाएगा 10 होगा। ये आ गया आपका टोटल वर्क, ओके, टोटल वर्क आ गया आपका। अब सुनिए मेरी बात, अब आपसे बोला बी अकेले उस कार्य कितने दिन में करेगा? तो वी की एफिशिएंसी कितनी है भाई? 3 है, बी की एफिशिएंसी 3 है, तो भैया काट दीजिए इसको, काटेंगे तो ये 10 × 10 × 100 होता है, यानी बी अकेला किस कार्य करेगा तो 100 दिन में कर लेगा। अगर ए से कराया जाता तो 300/7 आपका उत्तर हो जाता, जो भी आपको भिन्न में आंसर दिया तो भिन्न में कर देते, नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं, तो ये आपका उत्तर
हो जाता। ओके चले, अगला क्वेश्चन सेम एज इट इज़ दिया हुआ है, देखते हैं कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर पाता है। ओके क्वेश्चन देखिएगा, ए और बी यानी ए प्लस बी दोनों मिलकर किसी काम को 27 दिन में कर सकते हैं, यदि 25 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है तो पूरा काम 30 दिन में समाप्त होता है, तो बताइए बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। कई लोग, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा, कई लोग इसकी शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको, लेकिन अगर आपको बेसिक पता है तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप बन जाती है, बेसिक पता है तो शॉर्ट ट्रिक अपने आप पता चल जाएगी। ओके ज़रूरत नहीं है शॉर्ट ट्रिक की, जब तक ही ज़रूरत है जब तक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बना दीजिए, कि क्वेश्चन टफ है लेकिन इसको बेसिक से करा जाए तो और भी अच्छे से हो जाता है। कोई काम है जिसको करा जाता है 27 दिन में ए और बी के द्वारा, ओके 25 दिन बाद, कितने दिन बाद, 25 दिन बाद, 25 दिन बाद जो है बी भाई साहब चले गए हैं। ओके और बी के जाने की वजह से यह काम 30 दिन में समाप्त होता है, अगले 30 दिन में समाप्त होता है, यानी 25 और यहाँ पर कितना 5 दिन और चला है, कितने दिन चला है 5 दिन और चला है। देखिए बचा कितना था, 2 दिन का काम बचा था। ओके और ये 5 जो हमने लिखा है वो मैंने लिखा है बस समझाने के लिए, लेकिन 3 दिन और एक्स्ट्रा काम किया, किसने किया होगा, ये 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया है आपके बी भाई साहब, ओके सॉरी ए ने काम किया, ठीक है, किसने किया, ए ने 3 दिन और काम किया है, ठीक है, कितने दिन काम किया है, 3 दिन काम किया है, ठीक है, ओके 3 दिन और काम किया है। अब मेरी बात सुनिए, जो बी वाला व्यक्ति था वो यहाँ से चला गया और ए वाले व्यक्ति ने यहाँ पर एक्स्ट्रा काम किया है 3, यानी बी ने जो 2 काम छोड़ा था वो ए ने कंप्लीट किया, इन दोनों का काम जो है यहाँ पर आकर बराबर हो गया था, इसलिए यहाँ पर हम कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर ए की और बी की फंसी बराबर कर लेते हैं। ओके तो टाइम जो है ए के द्वारा लिया गया टाइम कितना होगा, 3 होगा, बी के द्वारा लिया गया टाइम होगा 2। ओके इनकी फिंसी इनकी उल्टी कर दीजिए, ये इनकी उल्टी फिंसी हो गई है, ठीक है, मतलब इनको चेंज कर दीजिए। टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क मतलब 27 दिन में कोई कार्य हो सकता था तो 27 × 5 कर दीजिए, ये टोटल काम हो गया। बोला क्या, बी अकेले उस कार्य करे तो बी अकेले अगर उस कार्य करेगा तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। ओके 3 × 27, ओके 9 × 5 = 45, यानी 45 दिन में वो कार्य कर सकता है। ओके अगर यहीं पर पूछ लिया जाए कि ए जो है इस कार्य कितने दिन में करेगा, तो आप एक काम करिएगा 27 × y आपका 5/2 रख दीजिए, इसका आंसर भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन करते हैं, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ए प्लस बी मतलब किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते हैं, इन्होंने 10 दिन कार्य किया तथा इनके बाद सी की सहायता से 10 दिन में कार्य समाप्त कर दिया गया या कर हो गया, यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा। चलिए महाजय क्वेश्चन, चलिए देखते हैं कौन कौन कर पाता है, भाई कमेंट जरूर करेंगे जितने भी स्टूडेंट कर पा रहे हैं क्वेश्चन को बताइएगा मुझे। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक का कोई कार्य है, यह 30 दिन में कंप्लीट हो सकता था है, ये ए और बी कर सकते हैं भाई। ओके अब क्या हुआ कि मैंने काम स्टार्ट किया और 10 ही दिन तक करा, कितने दिन तक करा, मात्र मैंने 10 दिन तक इस कार्य को करा, यहाँ तक कर पाया, ए प्लस बी के द्वारा ही किया गया था, भाई साहब सी आ गए और उन्होंने कहा यार मेरे को भी काम करना है, मैं बेरोजगार हूँ मुझे भी काम दे दीजिए, तो मैंने उसको काम कर दिया भाई, वो बहुत चतुर निकला, बहुत मतलब अच्छा कार्य, अच्छा काम वाला व्यक्ति निकला, तो उसने उसकी सहायता से हमने जो काम कर लिया वो अगले 10 दिन में ही कर लिया, यानी कि हमारे पास जो अगले 10 दिन बचे थे वो फालतू चले गए, इसका कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, अगले 10 दिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि टोटल काम जो है वो मात्र 20 दिन में हो गया, होना था 30 दिन में, कितने दिन में हो गया 20 दिन में, वो होना था हमें 30 दिन में। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ में आई, ए प्लस बी पहले किसी कार्य को 30 दिन में कर सकते थे, ठीक है, अब एक चीज़ एक रिलेशन दिया हुआ है वो हमें यहाँ पर देखना है, बी का 3 दिन का काम, यानी बी जो है बी का 3 दिन का काम सी के 2 दिन के काम के बराबर है,
यहाँ से हम बी और सी की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी की फ्रीक्वेंसी आ गई और सी की फ्रीक्वेंसी आ गई, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। अब तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया हमारे लिए, ओके। बी की फ्रीक्वेंसी और सी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी हमने क्या लिखी, बी, और यहाँ पर सी लिख दिया। बी और सी की फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है, बी की फ्रीक्वेंसी 2 है और सी की फ्रीक्वेंसी 3 है, ठीक है। तो ये 3 और 2 आ गई। अब एक चीज़ सुनिए, ए बी और यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, ये यहाँ पर मैंने एफिशिएंसी लिखी है, तो बी की फ्रीक्वेंसी भाई साहब 2 है, सी की फ्रीक्वेंसी 3 है, ओके, ये 3 है ना। अब ए की एफिशिएंसी कैसे निकालें, ये दिक्कत है। अब सुनिएगा मेरी बात, अगर आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, जो सी वाला व्यक्ति है, जो सी वाला व्यक्ति है, उसके आने के वजह से ये जो 10 जो 20 दिन का काम था वो 10 ही दिन में हो गया, जो 20 दिन का काम है। देखिए, ए प्लस बी ने 10 दिन में कार्य किया और 20 दिन में कार्य कर लिया, मतलब 10 दिन कार्य किया और अब टोटल कार्य जो 30 दिन में होना था लेकिन हो गया कितने दिन में, मात्र 20 दिन में हो गया। यानी सी वाला व्यक्ति जो ऐसा व्यक्ति है कि ए और बी अगर दोनों मिल जाएं, मतलब ए प्लस बी अगर दोनों मिल जाएं, ओके, तो वो भारी बैठेगा। मतलब अगर सी की बात करें तो ए प्लस बी की अगर एफिशिएंसी 1 है तो सी की डबल होगी, 2 होगी, 2 होगी ना, दोनों के बराबर होगी ना। तो अब एक चीज़ देखने वाली बात है, अगर सी की एफिशिएंसी 3 है और बी की एफिशिएंसी 1 है तो हमें यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 1 बनानी पड़ेगी, तभी जाकर जो है ये दोनों बराबर होंगे, बराबर होंगे कि नहीं होंगे। अब यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल, हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि ए की एफिशिएंसी 1, बी की एफिशिएंसी 2, सी की एफिशिएंसी 3 यहाँ पर आ गई। टोटल वर्क निकाल दीजिए कितना आएगा, ये 3 और 3 6, ओके, सॉरी यहाँ से 3 और 3 6 आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर टोटल वर्क, ओके, मिनट रुकिएगा, टोटल वर्क निकालेंगे ना, हाँ टोटल वर्क निकालेंगे 3 × 3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट। अच्छा, टोटल वर्क अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास टोटल जो दिन है, मतलब जो हमारे पास ये वाला दिन है, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी ऐसा मत करिएगा जो चीज़ गलती करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर हमें दिया हुआ 30 दिन का काम, ओके। अब मैंने 30 दिन काम लेकर मैंने 3 और 3 6 का मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर गड़बड़ जो आ जाएगी, वो क्वेश्चन बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन में आंसर भी दिया होगा कि यही आंसर है, वो आपका गलत होगा। क्या है कि जो 30 दिन दिया हुआ है वो ए और बी के कार्य क्षमता के अनुसार दिया था और आपने उसमें 3 एफिशिएंसी सी की भी मिला दी है जो कि गलत हो गया। यहाँ पर हमें ए और बी का अगर समय दिया है तो हम एफिशिएंसी भी उसी उन्हीं दोनों की लेंगे, तो यहाँ पर टोटल कार्य हो जाएगा 90। और आपसे पूछा ए अकेला इस कार्य करे और ए जो है 1 की एफिशिएंसी करता है, तो आपको पता चल गया कि 1 का भाग लगाएंगे तो कुछ भी नहीं, 90 ही आना है। तो ए के द्वारा कितने दिन में कार्य करेंगे, 90 दिन में करेंगे, बी के द्वारा 45 दिन में हो जाएगा, सी के द्वारा और भी 15 दिन कम में हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन करके बताना है भाई, जल्दी से क्वेश्चन करके कमेंट कर दीजिएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का, बेहतरीन क्वेश्चन है, करके बताइए, देखते हैं कौन कौन इस क्वेश्चन को कर पाता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर सी से दोगुना कार्य करते हैं जबकि बी प्लस सी मिलकर ए से 3 गुना कार्य करते हैं, वे तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, तो वह अलग अलग होकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। एक रिलेशन दिया है तो रिलेशन के साथ में लिख लेते हैं हम, ए प्लस बी दोनों मिलकर सी से दोगुना काम कर लेते हैं, सी से दोगुना मतलब सी 1 होगा, ए प्लस बी 1, ओके, ये होगा, ठीक है, दोगुना काम कर लेते हैं। बी प्लस सी ए से 3 गुना कार्यकुशल है, ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, आ गई होगी, ठीक है, बोला क्या है, ये चीज़ समझने वाली है, बस इतना है और कुछ नहीं है इसमें, क्वेश्चन है सिंपल है, ठीक है। अब ए प्लस बी प्लस सी, अब एक चीज़ सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर भी ए प्लस ए बी सी दिया है, यहाँ पर भी ए बी सी दिया है कि नहीं दिया, यहाँ पर जो टोटल काम दिया है वो हमारे पास दोनों को जोड़ दिया है 3 आ रहा है, यहाँ पर जो टोटल काम दिया है दोनों को जोड़ दिया है 4 काम आ रहा है,
यार काम तो समान होना चाहिए ना। मैंने हमेशा बोला है कि जो टाइम एंड वर्क वाला जो सिस्टम है उसमें हमेशा जो काम है वो दोनों के बराबर, तीनों के बराबर ही जो है काम होगा, सभी के पास समान काम होगा। यानी ए प्लस बी इस साइड लेफ्ट हैंड साइड अगर कार्य कर रहे हैं तो वही काम करेंगे जो राइट हैंड साइड वाले कार्य कर रहे हैं, ठीक है, उतना ही कार्य करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या हुआ, यहाँ पर क्या करना है, हमारे पास ये चार आ रहा है, यहाँ पर भी जो है हमारे पास कितना तीन आ रहा है, इन दोनों को एलसीएम ले लेना है। क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है, और एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। यानी हमारा जो कार्य है वो 12 है, कितना है 12 है, 12 कार्य है। तो हम क्या कर सकते हैं, ए में तीन का गुणा कर दीजिए, यानी ए की जो कार्य क्षमता वो तीन आ गई। सी में आपका यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, अगर 12 बनाना है इसको तो यहाँ पर चार का इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पर तीन का इंटू करा तो यहाँ पर चार का इंटू करो, यहाँ पर भी चार का इंटू, यानी सी की जो इफिशिएंसी आ गई है वो आ गई चार। ए की इफिशिएंसी हमारे पास आ गई बी की, बी की हम कर लेंगे भाई सी की कर लेंगे, तो सी की चार आ गई, ए की हमारे पास तीन आ गई, तो टोटल इफिशिएंसी कितनी है 12 है हमारे पास। तो यहाँ पर तीनों चार सात हो गए, ओके 7 और 5 12 होते हैं, तो बी की इफिशिएंसी हमारे पास 5 आ गई। तो हमारे पास ए बी सी की तीनों की इफिशिएंसी हमारे पास आ गई है। पूछा क्या है, 12 दिन में, ओके ये क्या है, तीनों मिलकर 12 दिन तक कार्य करते हैं, तीनों मिलकर अगर 12 दिन तक कार्य करते हैं, तीनों अगर आप बात कर रहे हैं, ये आ गया तीनों की इफिशिएंसी 12 है और 12 ही दिन तक कार्य करते हैं, तो 144 तो इनका टोटल कार्य हो गया। क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर वे अलग अलग कार्य करें, यानी एक ही बात कर लेते हैं हम, एक ही बात कर लेते हैं 12 मल्टीप्लाई 12, ओके, और ये ए से काम कराया जाए 3 चौक 12, ओके 12 36 1248, तो 48 दिन में ए काम करेगा। बी की बात करें तो 144/5 दिन में करेगा। सी की बात करें तो यहाँ पर 12 को काट दिए डायरेक्ट, ओके 3 से 12 36 36 दिन में कर लेगा भाई सब, ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ये ए की बी की और सी के द्वारा किया गया कार्य जो है आपका, मैं कितने दिन में इस कार्य को करेंगे, तो ये आपका आ गया। तो इस क्वेश्चन को ऐसे किया जा सकता है। आशा करूँगा कि यह वीडियो अच्छी लगी हुई आपको, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। थोड़ा बड़ा वीडियो है लेकिन आपको समझाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वीडियो। इस वीडियो में हमने बारंबार यानी अल्टरनेट वाले क्वेश्चन हैं वो नहीं लिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि अल्टरनेट वाले क्वेश्चन आपको करने हैं और अच्छे टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।